हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 5 मार्च 2024 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2024 को लेकर आईपीएल की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है सीएसके की टीम की साइड से, जहां पर सीएसके को आईपीएल 2024 से पहले काफी बड़ा झटका लग चुका है, जहां पर डेविन कॉनवे पूरे के पूरे आईपीएल 2024 से हमें बाहर होते हुए नजर आ चुके हैं। दरअसल डेविन कॉनवे हमें जो सीरीज देखने को मिली थी उसमें इनकी थंब फ्रैक्चर हो गई थी, जिसके चलते अब ये पूरे के पूरे आईपीएल 2024 से बाहर हो चुके हैं, जहां पर रिपोर्टेडली सीएसके की टीम ने ऑलरेडी रिप्लेसमेंट के तौर पर फिल सॉल्ट के साथ बातचीत कर ली है और फिल सॉल्ट आपको सीएसके की टीम को ज्वाइन करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज ये भी है कि सीएसके की प्लेइंग लेवल में शायद फिल सॉल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास डेविन कॉनवे की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जो कि उनकी ही कंट्री से बिलोंग करते हैं रचिन रविंद्रा मौजूद हैं। तो ऐसे में रचिन रविंद्रा और उनके साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ आप लोगों को इस बार सीएसके की प्लेइंग 11 में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। जैसे ही इनके रिप्लेसमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जानने को मिल जाएगी, जहां पर आप लोगों के लिए आईपीएल 2024 से पहले 25 लोगों के पास जीतने का मौका है। 10 लोग जीतने वाले हैं आईपीएल के टिकट्स जो कि हम पहले मुकाबले के दिन ही अनाउंस कर देंगे। बाकी के 10 लोग जीतेंगे 10 आईपीएल टीमों की जर्सीज और बाकी के 5 लोग एसजी की क्रिकेट किट्स। तो आप लोग अभी फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम की साइड से, जहां पर आरआर की टीम के द्वारा कल अनाउंसमेंट की गई थी कि दिन में 2:30 बजे अपनी जर्सी को लॉन्च करेंगे। और ऐसा ही हमें देखने को मिला, जहां पर स्क्रीन के ऊपर आप लोग राजस्थान रॉयल्स की नई लॉन्च हुई जर्सी को देख पा रहे होंगे, जहां पर लुमिनस जो है वो इनका ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर है। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की ये जो किट है ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमें कहीं ज्यादा ब्राइट देखने को मिल रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग इस जर्सी को 10 में से जरूर रेट कीजिए। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है युजवेंद्र चहल की साइड से, जहां पर युजवेंद्र चहल का एक इंटरव्यू राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ में आउट हुआ है, जहां पर इनसे प्रेडिक्शन करने को कहा गया था कि इनके हिसाब से साल 2024 में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप कौन कौन जीत सकते हैं। तो चहल ने बताया कि ऑरेंज कैप के डिपार्टमेंट में इनके अकॉर्डिंग इनके टीम से ही यशस्वी जायसवाल या फिर जॉस बटलर में से कोई एक ऑरेंज कैप हमें जीतता हुआ नजर आएगा। तो वहीं पर्पल कैप में इन्होंने बताया कि इनमें से या फिर राशिद खान में से कोई एक हमें पर्पल कैप जीतता हुआ नजर आएगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना आपके हिसाब से आईपीएल 2024 में ऑरेंज और पर्पल कैप कौन कौन से प्लेयर्स जीत सकते हैं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी की साइड से। वैसे तो अब अपनी क्रिकेट के रिगार्डिंग एमएसडी हमें बिल्कुल ना के बराबर पोस्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कल फेसबुक के ऊपर एमएसडी ने एक पोस्ट करके फेसबुक के ऊपर काफी ज्यादा बस क्रिएट कर दिया, जहां पर एमएसडी का ये जो पोस्ट है आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इन्होंने लिखा कि कांट वेट फॉर द न्यू सीजन एंड द न्यू रोल स्टे ट्यून्ड, यानी कि ये आईपीएल के नए सीजन के लिए बिल्कुल भी अब वेट नहीं कर पा रहे हैं, और इसके साथ ही ये एक नए रोल में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके बाद काफी सारे रूमर्स हमें देखने को मिले। कुछ लोगों का कहना था कि शायद एमएसडी हमें वापस से जब उन्होंने करियर स्टार्ट किया था तो नंबर 3 की पोजीशन पर खेलते हुए नजर आते थे, तो क्या इस बार भी वो हमें नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि एमएसडी शायद हमें कैप्टनसी से स्टेप असाइड होते हुए नजर आ सकते हैं और वो किसी नए कैप्टन के अंदर शायद आईपीएल 2024 में खेले। खैर जो भी है इसको तो हाल फिलहाल के लिए एमएसडी ही जानते हैं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है सभी आईपीएल टीमों की नई जर्सी के रिगार्डिंग। अभी तक कुछ टीमों ने अपनी ऑफिशियल जर्सी जो है वो लॉन्च कर दी है, हालांकि कुछ टीमें अभी भी अपनी जो जर्सी है उसको रिवील करने वाली हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप लोग इन सभी टीमों को देख पा रहे होंगे। सीएसके की टीम ने अपनी जर्सी लॉन्च कर दी थी यूरो ग्रुप के साथ में, जो कि आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी अपनी ल्यूमिनस वाली जर्सी को लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा जो बाकी की टीमें हैं दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, एलएसजी, एमआई, पीवीकेएस, आरसीबी और एसआरएच, इनके द्वारा अभी तक अपनी जर्सी को स्पेसिफिकली लॉन्च नहीं किया गया है। हालांकि इनमें से कुछ टीमें जैसे कि केकेआर और इवन एसआरएच की जर्सी भी हमें पता है, एलएसजी की जर्सी भी हमें पता है, लेकिन ऑफिशियली इन्होंने अभी तक लॉन्च नहीं किया है। जैसे ये लॉन्च होती है हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता देंगे। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है एसआरएच की साइड से, जहां पर एसआरएच की टीम ने पैट कमिंस को अपनी टीम का नया कैप्टन अपॉइंट किया था, और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था क्योंकि साउथ अफ्रीकन टी20 लीग में इनके जो एक्स कैप्टन है एडन मक्रम, उन्होंने बैक टू बैक इनको टाइटल जिताए थे। लेकिन इसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को कैप्टन बनाने का एक और रीजन हमारे सामने निकल कर आया है कि 2009 में एसआरएच की टीम ने एडम गिलक्रिस्ट की कैप्टनसी में टाइटल जीता था। इसके बाद 2016 में डेविड वार्नर, एक और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की कैप्टनसी में इन्होंने आईपीएल का टाइटल जीता,
था, तो शायद इस एंगल की वजह से पैट कमिंस को कैप्टन के तौर पर ज्यादा प्रायोरिटी मिली कि आईपीएल में ऑस्ट्रेलियन जब भी इनके कैप्टन बनते हैं तो इनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिलहाल गाइज हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकलकर आ रही है एक बार फिर से सीएसके की साइड से, जहां पर सीएसके के फैंस के लिए एक और काफी बुरी अपडेट निकलकर आ रही है, जहां पर रिपोर्टेडली डेविन कॉनवे तो बाहर हो ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही शिवम दुबे भी अब आईपीएल 2024 के पहले हाफ के लिए डाउटफुल बताए जा रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स इसी तरीके से ठीक मानी जाए तो फिर शिवम दुबे हमें पहले के 6-7 मुकाबले स्किप करते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि सीएसके की टीम के लिए काफी बड़ा ब्लो रहेगा। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट, जो कि निकलकर आ रही है केएल राहुल की साइड से। केएल राहुल के आईपीएल में खेलने के ऊपर भी एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसे में इनके रिगार्डिंग काफी सारी अपडेट्स हमारे पास निकलकर आई है। सबसे पहले तो केएल राहुल जो थे उन्होंने लंदन में जाकर टॉप के मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट किया था, इंडिया वो हमें संडे को लौटते हुए नजर आए, जिसके बाद वो एनसीए में करंटली अपना रिहैब कर रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने जो एक तरीके से एनसीए से रिक्वेस्ट की है कि किसी भी हाल में आईपीएल खेलना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन काफी हद तक इसी बात पर डिपेंड करता है कि आईपीएल में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।